मैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इधर देखिए, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये स्टॉप और ये रीसेट बटन है। आप स्टार्ट करने के बाद में अगर बीच में स्टॉप करना चाहते हैं तो इस बटन से स्टॉप कर सकते हैं, और बिल्कुल जीरो पोजीशन देना है तो ये रीसेट बटन प्रेस करेंगे आप, ठीक है। अभी मशीन बिल्कुल जीरो पोजीशन पे है और जीरो पोजीशन आपका यहाँ आ रहा है, ये अब वायर को स्ट्रेट कर रहा हूँ तो आपका जीरो पोजीशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे लाना है, क्योंकि इस कंडीशन से हम यहाँ इस पोजीशन से वाइंडिंग स्टार्ट करनी है हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्टार्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद में आप ये फीडर बाहर की तरफ आया है, ठीक है, और इस डिस्प्ले पे पोजीशन इसका दिखा रहा है, डिस्प्ले पे पोजीशन आपका 21.9। अब इस पे अगर आपको दिख रहा है कि वायर अगर स्ट्रेट नहीं है, अगर वायर आपका स्ट्रेट नहीं है तो आप इस बटन को, ये जो बटन है, ये जो एरो है, इसको और इसको दोनों को लेफ्ट राइट करके इसकी पोजीशन को आप स्ट्रेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स करके आप स्ट्रेट कर सकते हैं, और जो पोजीशन आएगा आप उसको फीडर स्टार्ट पोजीशन, इस कंट्रोलर के अंदर में एक पोजीशन पूछेगा फीडर स्टार्ट का और फीडर रिटर्न का, उसके अंदर में उसको जाके फीड करना है। तो ये अगर सपोज यहाँ पे दिखा रहा है कि 21.9 है, मैंने प्लस माइनस करके सारा अचीव किया, और उसके बाद में इसकी बीच की दूरी आपको डालनी पड़ेगी, आपको कितने विड्थ में वाइंडिंग करना है, तो वो आपको विड्थ की दूरी होगी। विड्थ बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को ये जहाँ से वाइंडिंग, जितनी दूरी वाइंडिंग हुई है उसको बोलते हैं वाइंडिंग विड्थ, ठीक है। तो ये 23 mm का है, तो मैं इसमें 23 mm ऐड करता हूँ, तो इसे 21.9 है स्टार्ट पोजीशन, उसमें 23 ऐड कर दिया, तो 23 ऐड करने के बाद में मेरा पोजीशन जो आ रहा है रिटर्न का, वो आ रहा है 44.9। तो हमारा इस किनार से आके आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको ये रिटर्न यहाँ से हो जाएगा, अगर आपको कोई यहाँ से किनारे से अगर रिटर्न नहीं हो रहा है कॉइल, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फीडर रिटर्न में प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाय फोन बताऊँगा, ओके।